हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। सो आज का ब्लॉग है, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने ये वीडियो, आप पता नहीं कब देखेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्लॉग्स आएँगे। जैसा कि फेस्टिवल है बैक टू बैक, तो ये शायद लेट हो जाए कुछ। एक दिन पहले का ब्लॉग मैंने ऐड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ आप उसको चेक कर लेना। और ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा, मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन है, जैसा कि दिवाली का टाइम है, तो आज 18 है और 18 को होता है खुशी, मेरी बेटी का बर्थडे। सो हम लोग जा रहे हैं, बस छोटा मोटा सेलिब्रेशन है, कुछ नहीं है। और जो एक नाइट में हुआ था वो भी आपने वीडियो देखा, जिसने नहीं देखा लिंक मैंने आपको बोला कि मिल जाएगी, जैसा कि तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें लिंक मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग क्या सेलिब्रेशन करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे हम सब जा रहे हैं। हम हैं, खुशी हैं, साई हैं एंड संध्या हैं। तो हम लोग कहाँ जाते हैं वो आप आगे देखिएगा। सो बढ़ते वीडियो की तरफ, लेट गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो इंजॉय लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्यार प्यार कमेंट के साथ वीडियो को वॉच करें एंड अपना प्यार और सपोर्ट दें। एंड जहाँ जहाँ भी आप एक्टिव हैं इसको शेयर कर दें। सो यस, यहाँ पे हम हैं, खुशी हैं, साई हैं, सब लोग जा रहे हैं। सो मिलते हैं पहुँच के। तो हम सब आ गए हैं अपने स्थान पर, से जहाँ बर्थडे वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। रेस्टोरेंट देख सकते हैं का केक जिसपे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे सी। और दिन रात में काटी, कौन सा काटी थी, फ्लेवर भूल गए, पाइनएप्पल। और शाम को है, रात में है कौन सा, चॉकलेट फ्लेवर। जैसे सिर्फ कभी ये देखिए आप जूम करके। हाँ भाई, टियारा लगाओ खुशी, ऐसे कैसे टियारा लगाओ खुशी, चलो दे दो साई दीदी को। यस यस, तो यस कंटिन्यू करें खुशी दीदी, हमारे तरह कंफ्यूज मत हो जाना उल्टा सीधा में। वो नहीं लाई टियारा, नहीं लाई क्यों, लगता था हम लगा देते, तुम लाती तो। यस, यहाँ पे तो बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था, एक है खुशी का, तो मैंने दोनों क्लिप एक साथ ऐड कर दी। अलग अलग ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, तो मुझे लगा कि दोनों एक साथ आपको ऐड कर दूं, क्योंकि वही बर्थडे वही सब कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इस ब्लॉग में दो बर्थडे सेलिब्रेशन देखेंगे, एक तो मेरी बेटी खुशी का एंड दूसरा मेरे हस्बैंड का। तो यहाँ मैंने सोचा दोनों क्लिप को एक साथ ऐड कर देंगे और आप भी इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वही फिर अभी इस बर्थडे का डालो, फिर अगले बर्थडे का डालो, तो वो चीज़ बर्थडे फिर एक खिचड़ी पक जाती है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने का कि मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप देखते होंगे कि मैं मिक्स एंड मैच करके डालती रहती हूँ, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के साथ मैं नहीं जाती हूँ। जैसा कि ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग्स दिखाती रहूँ, घर का ही दिखाती हूँ, मैं हर जगह का दिखाती हूँ और मिक्स करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस केक कटिंग का टाइम है और यहाँ पर हो रही है सेल्फी टाइमिंग। यस, तो केक कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर वही है प्रोसेस केक खिलाने का। तो भाई खुशी इनको खिला रही और ये खुशी को खिला रही, और मेरा वेट तो यहाँ पे भी आया नहीं है। मुझे लगा था पहले मुझे मिलेगा बट मुझे नहीं मिला, इट्स ओके, मैं वेट कर रही थी। एंड यहाँ पे खा रहे हैं साई, एंड फिर देखो फटाक से खाएंगे चाय। मैं अभी भी मैं सोची मेरी बारी कब आएगी, तो इसके बाद भी संध्या की बारी आ जाती, मेरा नंबर आने का भी हैप्पी बर्थडे खुशी। और किसके किसके यहाँ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे बताना, इस चीज़ का तो मुझे वेट रहेगा कमेंट का, कि होटल जाने के बाद कौन कौन है जो थाली एंजॉय करता है, थाली शेयर करता है। मैं तो कभी थाली नहीं खाती, क्योंकि वही दाल चावल सब्जी रोटी तो आप घर पे भी खाओ, मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड हमेशा थाली शेयर करते हैं और हमेशा थाली ही लेना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं तो डिफरेंट फूड यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ और सब लोग फूड को इन्जॉय करेंगे। एंड ब्लॉग कैसे लगता है, किस टाइप का ब्लॉग्स आप देखना चाहेंगे ये भी आप कमेंट में बताओ। मैं अपनी कोशिश करती हूँ डिफरेंट ब्लॉग दूँ, बट कुछ अगर आप लोग का रिक्वायर्ड हो, कुछ आप लोग का हो, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और क्वालिटी में बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आपको दिखने वाला है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन फिर से बहुत जल्द चेंज करने वाली हूँ। मे बी फरवरी तक चेंज कर दूँ, तो फरवरी से मेरी क्वालिटी और मेरे कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर दिखेगा। तो बस आप लोग को एंजॉय दें, प्यार करें, सपोर्ट करें। कुछ कमी रह जाती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप की ब्लॉग्स में कमी है, तो उनको भी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बट अपने अकॉर्डिंग मैं बेस्ट देती हूँ, लेकिन अपना सोचा हर किसी को ही अच्छा लगता है, पर वो चीज़ें नेक्स्ट कोई बताए तो वही समझ में आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या कमी है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। सो मुझे वेट रहेगा। Here I am adding today's vlog. Hopefully आप ब्लॉग को इंजॉय करेंगे एंड सपोर्ट मी। सो कुछ लेने देखते क्या लेते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या पसंद आएगा। मुझे बॉल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूँगा, बट अभी नहीं कराऊँगी। थोड़ा सा बालों को वो जो केमिकल है वो निकल जाए ना, फिर से स्ट्रेट कराऊँगी, अभी नहीं कराऊँगी। जी हाँ, मैक्स के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या ले रही हूँ और यहाँ पे जो लेना तो वो ले लिया। अब यहाँ पे ये बिल करा रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड। साइज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती थी जो मैं आपको ये शो कर रही हूँ। एंड जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है और वर्क एंड स्लिप्स इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं उस टाइम पे नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी मुझे जाना था, तो उतना अच्छे से मैंने दिखाया नहीं आपको। बट मैं इस कुर्ती को अपने लिए लेने जाऊंगी। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके की विंटर शूज़ हैं, आप शूज़ बोलो स्लीपर बोलो, घर में पहनने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं और काफ़ी अच्छा है। तो विंटर में काफ़ी अच्छे आपको, मतलब वॉर्म से एकदम पैर कर देते हैं, कोजी से, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके को फुटवेयर भी अपने लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है, बट सारा मैं कलेक्शन एक साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये कुर्ती का आप देखो बहुत यस। तो मैक्स में मैंने क्या लिया वो मैं नहीं शेयर कर पाई। जो इन्होंने पहन रखा टी शर्ट वो लिया था और भी एक आधी टी शर्ट ली थी, बट इनका मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि उतना मुझे ध्यान भी नहीं था। जल्दी जल्दी होता ना, फिर फटाफट पहनो और निकलो, तो बस वही हुआ। यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं घूमने करने, कुछ खाने पीने, जैसा कि बर्थडे है तो फिर सेलिब्रेशन तो बनता है। और इस तरीके का सेलिब्रेशन मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, तो मैं चाहती हूँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस जल्दी जल्दी मेरे व्यूज़ स्पीड पकड़ लें। बस यहाँ पे जा रहे हैं हम सब रेस्टोरेंट, हम हैं, निधि हैं एंड फैमिली के बस बच्चे हैं एंड हमारे पति देव जी हैं, बस बाकी और कोई नहीं था। चाची थी पर वो गई नहीं थी, मैंने बोला तो बोली कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चलो ओके। कम क्वांटिटी होता है, किसी का केक भी रखा हुआ है। हां सब केक, हां आप के जी पार है पहले सर दादी कहां है। हम और निधि आए थे यहाँ पे बेकरी, क्योंकि निधि को लेना था केक, जैसा कि निधि ने केक गिफ्ट किया था अपने जीजा जी को कि निधि की तरफ से केक रहेगा। तो मैंने कहा चलो भाई तुम गिफ्ट ले लो। भैया ऑनलाइन करना है एक कहां पे कितना भैया 50 हो गया यार। रेस्टोरेंट खाने कौन कौन सा आता है आपको दिखाता हूँ। वापस आई। हाय करियो भैया, हाय करियो, हाय करियो भैया। झेलू look at this, yes 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 yes। Hi I love you guys। अभी मैं बोलूं इस एक चीज़ में पहले यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जैसा आप सभी देख रहे हैं कि वॉइस तो उन्होंने वहाँ पे बोला बट मैंने हटा दिया है। क्यों? उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे निधि ने गाना चला दिया था, मेरे मतलब भतीजे छोटा वाला रो रहा था तो उसको गाना चला दिया था और फ़ोन में गाना दिखा रही थी। सो मुझे यहाँ पे वॉइस रिमूव करनी पड़ी वरना कॉपीराइट आ जाता। और अभी मेरी रिसेंट की एक वीडियो में कॉपीराइट आया, तो अभी नया नया वीडियो का है ना, तो हम लोग उतना डॉलर भी नहीं बनता, इस वजह से यहाँ पे मैं जो है अपनी वॉइस को हटा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का क्या है रात का डिनर, जो कि है राइस, चाउमीन, चिली पनीर एंड छोला भटूरा और कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी बट और कुछ भी था मुझे ध्यान नहीं। हाँ चिली पटेटो। यस आप सभी भी मेरे साथ आए यहाँ पे मेरा डिनर एंजॉय करें। एंड इस रेस्टोरेंट का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जो लखनऊ से कभी जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं लिंक पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और काफ़ी अच्छा बटर नान तो एकदम मतलब बहुत अच्छा लाजवाब। यस तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्योंकि हर जगह सॉन्ग और सॉन्ग है तो काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे केक कटिंग का टाइम है। केक कटिंग हम लोगों ने घर पे किया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। फर्स्ट सेकंड दो फ्लोर है बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा एंड ब्लॉग को एंजॉय किया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद किया हो, मेरी मेहनत आपको कहीं भी थोड़ी बहुत दिख रही हो तो प्लीज़ नम्रता की दुनिया को सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर दी हैं कि ऐसा मेमोरी, जैसा आप सभी को पता है ये तो मैं करती हूँ तो इसमें कुछ नया नहीं है बट मैं फिर भी इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि लोगों को ये ना रहे कि इतनी सारी फ़ोटोज़ क्यों। तो बस एक रीज़न यही है कि फ़ोटोज़ हमारी सेफ़ रहेंगी। एंड मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक ले टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।